वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे कि जिसका नाम है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको कहते हैं BSEPR थ्योरी। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि BSEPR सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अमोनिया NH3 तथा जल H2O अणु को समझाइए, इन दोनों के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं BSC पार्ट वन, जिसमें कि सेमेस्टर भी हमारा कौन सा है, फर्स्ट। यहाँ पर BSC पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम आपको जितनी भी केमिस्ट्री है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी हम आपके यहाँ पर कवर कराएंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। BSEPR थ्योरी, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है, चलिए जानते हैं। तो ये जो थ्योरी थी BSEPR थ्योरी, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके नाम है सिजविक और पावेल, दो प्लस इनके साथ दो वैज्ञानिक और थे, दो वैज्ञानिक और थे, एक थे गिलिप्सी और दूसरे थे नाइहोम। गिलिप्सी और नाइहोम, तो इन सभी चारों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत तैयार किया था, एक थ्योरी प्रतिपादित की थी, जिसको क्या कह दिया था, BSEPR थ्योरी। अब ये सिद्धांत निम्न बिंदुओं पर आधारित है, इसके कौन कौन से पॉइंट हैं, चलिए इनको हम एक एक करके जानते हैं। तो ये कह रहा है एक केंद्रीय परमाणु अन्य परमाणु से संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। कोई केंद्रीय परमाणु वो जो होगा वो अन्य परमाणुओं से किससे जुड़ा होगा, संयोजी बंध द्वारा। वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, जो बंध होगा वो किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ठीक है, हमने H2O मॉलिक्यूल ले लिया, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये हमारा केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, क्या, ऑक्सीजन। तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। ये किससे जुड़ा है, एक इस बंध से और एक ये दो बंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बंध किससे बने होंगे, साझे के इलेक्ट्रॉनों से, किससे, वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साझेदारी से बंध बनता है, उसी बंध को क्या कहते हैं, संयोजी बंध। कह रहा है इस तरह केंद्रीय परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है। अब ये जो केंद्रीय परमाणु हमारा ऑक्सीजन था, ये किससे जुड़ा, किससे घिरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़ा रहेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म हमारा कैसा होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। ठीक है, परमाणुओं के इस बंध युग्म के साथ केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी उपस्थित होता है। अब देखो ये तो बंद पेयर बन गया, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम कहेंगे बंद पेयर के इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ ऑक्सीजन पर यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस पे दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, किसी एटम पे एक भी हो सकता है और किसी पे दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, दो। तो भाई कह रहा है कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को वह युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम कहते हैं। कह रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो इसी कारण क्या हो जाता है, ऋण इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से शो करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं तथा ये एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं जहाँ प्रतिकर्षण बल बहुत कम होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर दूर भगाने का प्रयास करते हैं।
एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर पास पास जब जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा एक एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर की तुलना में। चलिए हम इनको देखते हैं किस तरह से इनमें प्रतिकर्षण होता है। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट को संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में, उसका ऑर्डर क्या है, कुछ इस तरह से दे रखा है। ऑर्डर क्या है आपका, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर अट्रैक्शन होगा, लोन पेयर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वो सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके सबसे कम कौन होगा, बॉन्ड पेयर, यानी कि प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा किस में होगा, लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। उससे कम किसके बीच में होगा, एक लोन पेयर होगा, दूसरा कैसा होगा हमारा, बॉन्ड पेयर, और उससे कम रिपल्सन किस में होगा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रतिकर्षण का ऑर्डर। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में लगेगा, लोन पेयर में। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म के कम प्रतिकर्षण के द्वारा निम्न ज्यामितीय समझाई जाती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्म में इलेक्ट्रॉनों के युग्म में प्रतिकर्षण बहुत कम लगेगा, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो अणु होगा उसकी ज्यामिति को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो हमारी BSEPR थ्योरी है, BSEPR थ्योरी है, ये यही बताती है कि कोई भी हमारा मालिक्यूल है, उस मालिक्यूल में जितने भी अणु हैं वो किस वे में जुड़े हुए हैं, उनका बॉन्ड एंगल क्या है, ठीक है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी बता देगा। ठीक है, और उनके उनका जो किस पोजीशन में, उनकी आकृति कैसी है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, या हमारी ट्राइगोनल प्लेनर है, बाईपिरामिडल है, किस तरह की आकृति है, इसको भी यही बताता है। ठीक है, BSEPR। चलिए हम देखते हैं एक क्या कह रहा है, किस तरह से इसकी ज्यामिति को हम समझेंगे। कह रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब चार इलेक्ट्रॉन कितने युग्म बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, चार इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोष के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण बल रेखीय समतल में होगा। अगर चार इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, कहाँ होंगे, चार इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोष के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण कैसा होगा, रेखीय समतल में होगा। कैसा होगा, ये मान लो हमने यहाँ पर एक के ले लिया, कोई केंद्रीय धातु ले, केंद्रीय परमाणु ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु। अब इससे मान लो ये क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, और एक बॉन्ड हमारा ये है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, केंद्रीय परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, यहाँ पर इसके साथ में जो परमाणु मिला होगा। ठीक है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये किसका है, इस केंद्रीय परमाणु का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, जो इधर से एक परमाणु लगा होगा। ठीक है, जैसे H2O की अगर हम बात करें, HOH, तो इसमें ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, M, केंद्रीय परमाणु। अच्छा, और ये जो हाइड्रोजन है, ये अन्य केंद्रीय परमाणु है जो कि इससे जुड़े हुए हैं इस बंध द्वारा। तो इसी तरह इसमें कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो जाएगा। तो ये किस तरह से व्यवस्थित रहेंगे, प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, रेखीय समतल में होगा, एक लीनियर वे में इनका प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे कि इनमें जो लगने वाला प्रतिकर्षण है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री का, तभी ये एक दूसरे को लीनियर शेप में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो BeCl2 क्या है, BeCl2। दूसरा कह रहा है जब तीन इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोष के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण बल ट्राइगोनल समतल होता है। अभी कितने थे, दो, अब कितने होंगे युग्म, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, छः इलेक्ट्रॉन मिलकर तीन इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेंगे, ये होगा। अब देखो, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म है हमारे पास, ठीक है, ये लो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है,
जब तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो प्रतिकर्षण कैसा होगा, ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोणीय, कैसा होगा त्रिकोणीय और प्लेनर समतल। ठीक, जैसे कोई अगर हम कॉपी ले लें बिल्कुल प्लेन अगर हम उसको रख दें तो ये ऐसा होगा, लेकिन कैसा होगा इस ये होगा कैसा, ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज की तरह होगा और प्लेन में होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समतल। तो यहाँ पर देख लो, एक ये हमारी क्या है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, तो एक ये केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये होगा केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉन, एक ये होगा, और ये मान लो कोई दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए यहाँ पर, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, आपका त्रिकोणीय होगा, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉन पेयर को मिला दो और ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे कि इनके बीच में लगने वाला बल कैसा हो, कम से कम हो सके, ठीक है। मान लो एम है, ये कुछ इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है, इस तरह से अपने आप को इन्हें व्यवस्थित कर लिया कि इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 120, और ये अगर हम बात करें एम तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकते थे, एक एक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में तो 180 डिग्री का एंगल होगा और इनके बीच में कितना हो जाएगा, 90 का, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से व्यवस्थित नहीं होंगे, ये ना इसकी शेप होगी ना ही इसका कोई ज्योमेट्री होगा, ठीक है, इनके बीच में ये तीन जो बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल होगा वो तीनों का इक्वल होगा, ठीक है, तब तो ये शेप कैसी होगी हमारी, सही होगी। तो इन तीनों के बीच में कितना आ जाएगा, 120 का, 120 डिग्री का जो है एंगल आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बी और Cl3, तो एक Cl यहाँ लगा दो, दूसरा Cl यहाँ लगा दो, तीसरा Cl यहाँ लगा दो, इनके बीच में कितना आ जाएगा, 120 का, ठीक है, BCl3। ओके, नेक्स्ट, अभी तो हमने बात की थी तीन इलेक्ट्रॉन युग्म, अब क्या है, तीसरा कह रहा है, जब चार इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोश के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण बल टेट्राहेड्रल समतल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, यहाँ पर कितनी फलकें होंगी, चार फलकें होंगी, कितनी होंगी, चार फलकें, कब, जब चार इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म, चार, एक दो तीन, ये हो गए चार इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, तो एक फलक ये बनेगी, दूसरी फलक ये, तीसरी फलक ये और चौथी फलक ये, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, CCl4 का, इसमें चार ही हमारे अन्य परमाणु होने चाहिए, एक केंद्रीय परमाणु के साथ में चार अन्य परमाणु लगे होने चाहिए, तभी उसको कहेंगे हम टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब देखो इसकी आकृति, एक परमाणु ये लगा है Cl का, दूसरा परमाणु ये लगा है, तीसरा परमाणु ये, चौथा परमाणु ये, चाहे आपको चाहे आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मान सकते हो या Cl का परमाणु मान सकते हो, ठीक है। तो देखो इन दो इन चारों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड एंगल हो वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है, चारों को सेपरेट किए हुए है। मान लो इसमें जो आपको मैं यहाँ पे लिख दूँ ए और बी, ये थोड़े आप की ओर हल्के से झुके हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़े से हल्के आपकी ओर झुके हुए हैं, और यहाँ पे लिख दूँ मैं ऊपर सी और यहाँ पर लिख दूँ डी, तो ये हल्के थोड़े से पीछे को झुके हुए हैं, ऐसे ये थोड़ा हल्का पीछे से पीछे को झुका हुआ है, और ये नीचे भी नीचे वाला भी हल्का थोड़ा सा पीछे को झुका हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों हल्के थोड़े से पीछे को इस तरह झुके हुए हैं और ये वाले थोड़े आगे को झुके हुए हैं, ए बी वाले, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका, CCl4 का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, जब पांच इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोश के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल समतल में होगा। ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय और द्विपिरामिडल, त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय हम इस तरह से बना सकते हैं, द्विपिरामिडल पिरामिड भी इसी तरह का होता है, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पिरामिड। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा पिरामिड बनाते थे, ठीक है, मिस्र के लोग। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कब बनेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन तो मतलब फास्फोरस देगा,
और पांच इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एक एक सीएल, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इनके, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन सबसे कम लगे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम लगे, और ये किस तरह से अपने आप को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो बस यही बनाना है। मान लो एक सीएल हमारा यहाँ लग गया, दूसरा सीएल हमारा यहाँ लग गया, तीसरा सीएल हमारा यहाँ लग गया, चौथा सीएल यहाँ लग गया, और पाँचवा सीएल यहाँ लग गया। ठीक, तो सबसे पहले हमने कहा एक हमारे पास क्या है, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु से 3 एटम तो इस तरह से लगे रहेंगे जिससे कि उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा हो, या उनके बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे कम हो। रिपल्सन सबसे कम कब होगा, जब तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री पे एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, ट्रायंगल ट्रायगोनल की बात अगर हम करें तो। और इसके बाद ये जो दो हैं सीएल, एक बिल्कुल ऊपर लगा रहेगा, बिल्कुल एम के ऊपर, मान लो ये प्लेन में, तो एक बिल्कुल ऊपर होगा, दूसरा कहाँ होगा सीएल, बिल्कुल नीचे। तो ये जो ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा इसका और इसके साथ में, इस वाले ऊपर वाले का और इस प्लेन के साथ में कितने का एंगल रहेगा, 90 का। ये जो सीएल है बिल्कुल ऊपर इसका और इस वाले के में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, और इनके बीच में कितना रहेगा, 120 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक, और इसके सीएल और सीएल के बीच में कितने का रहेगा, 180 का एंगल रहेगा। ठीक है, 180 का। तो ये एक दूसरे से इस तरह से व्यवस्थित हैं कि इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कैसा है, बहुत कम है। अगला है हमारा, जब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो, कितने हो, सॉरी, जब जब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोश के केंद्रीय परमाणु में होते हैं तो प्रतिकर्षण बल ऑक्टाहेड्रल प्लेन में होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है इसमें कितनी फलके होंगी, 6 फलके होंगी। ठीक है, जस्ट लाइक बेंजीन, 6 फलके इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कोई केंद्रीय परमाणु होगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये देखो, जैसे हम बात करें SF6, यहाँ पर क्या है, S, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 2.8.6, यानी कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12, जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि 6 बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो 6 ये हमने क्या ले लिया, एक हमारी कोई मेटल है, ठीक, ये सॉरी केंद्रीय परमाणु है, ये केंद्रीय परमाणु किन्हीं अन्य 6 परमाणु के साथ मिला हुआ है। ये 6 परमाणु कौन है, फ्लोरीन के। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, फ्लोरीन, ये हमने मान लिया फ्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन, और ये हमारा फ्लोरीन, और ये भी हमारा क्या है, फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा किसका होगा, केंद्रीय परमाणु का, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन का, केंद्रीय परमाणु का, एक केंद्रीय परमाणु का, एक फ्लोरीन का, एक केंद्रीय परमाणु का, एक फ्लोरीन का, और एक फ्लोरीन का, एक केंद्रीय परमाणु का। तो इस तरह से यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे कि ये एक ऊपर दे रखा है आपको, ये वाला, ठीक इसी तरह से एक यहाँ पर भी होगा नीचे भी कुछ इस तरह से। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु वो इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है, कोई केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, एक फ्लोरीन ये, दूसरा फ्लोरीन ये, तीसरा फ्लोरीन ये, और चौथा फ्लोरीन ये क्या हमारे फ्लोरीन है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्लोरीन, कितने हो गए, 4। ये इस तरह से, अब कितने फ्लोरीन बचे, 2 फ्लोरीन और बचे। तो उन 2 फ्लोरीन को हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि इनके बीच में जो रिपल्सन लगे वो कैसा हो, बहुत कम हो जाए। ठीक है, अभी ये चारों हैं। ठीक है, चारों मान लो कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 90 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक है, और जो अगला हमारा आएगा पांचवा, वो बिल्कुल इसके ऊपर लगा होगा, मान लो ऐसे बिल्कुल ऊपर खड़ा होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल ऊपर खड़ा कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही एक इसके नीचे नीचे लगा होगा। ठीक, तो इन चारों के कॉर्नर मिलके इसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा कोण, इसका भी दूसरा कोण, ऐसे ही इसको भी ये चारों कॉर्नर क्या होंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से,
ये इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल प्लेन, ठीक है, प्लेन होगा, लेकिन जो दो होंगे वो एक ऊपर लगा होगा, एक कहाँ लगा होगा, नीचे लगा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, SF6, ठीक है, SF6। कोई ऐसा परमाणु लेना है जिसमें जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, जब उस तभी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो पाएंगे, ठीक है। अगला है सात, छठा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जब 7 इलेक्ट्रॉन युग्म किसी संयोजी कोश के केंद्रीय परमाणु में होते हैं, अब कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, तो कह रहा है तो प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल प्लेन में होगा, पेंटागोनल होगा और कैसा होगा, बाई पिरामिडल, पिरामिड एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, दूसरा कहाँ से बनेगा, नीचे से बनेगा, और जो कैसा होगा, पेंटागोनल, ठीक है, पंचभुजीय जिसे हम कहते हैं, पंचकोणीय, ठीक है, पांच कोण बना रहा होगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु, यहाँ पर सात, तो सात होंगे, तो सात ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हैलोजन्स के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा है ये कौन होगा, लगभग आयोडीन ही होगा, या क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, कोई भी हो, तो ये क्या होगा हमारा, केंद्रीय एटम, ठीक है, केंद्रीय परमाणु। अब इसके इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, जब भी तो होंगे यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन आपको क्या बना के देंगे, ये बना देंगे आपको 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन युग्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन युग्म जब मिल जाएंगे तो उसका प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, पेंटागोनल और बाई पिरामिडल, पेंटागोनल, जैसे ये दे रखा है आपको, ये केंद्रीय परमाणु हो गया हमारा, हमने इसको पहले तो तीन परमाणु हम इस तरह से सेपरेट कर देंगे कि तीनों के बीच में कितना हो, मैक्सिमम एंगल हो, ठीक है, तो ये जो दो दो परमाणु होंगे इनके बीच में कितना होगा, 72 डिग्री का एंगल, ठीक। अगला ये जो हमारे पास होगा, ये इस तरह से ये पेंटागोनल बन गया आपका, ये तो इसके बीच में, यहाँ इनके बीच में, और ये जो ये लगा हुआ है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे लगा हुआ है, बिल्कुल ऊपर, एक ऊपर लगा हुआ है, दूसरा नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये पेंटागोनल हमारा प्लेन है, ठीक है, ये पेंटागोनल हमारा प्लेन है, इसके ऊपर एक लगा हुआ है जो 90 डिग्री एंगल पे है पूरे प्लेन के, और एक इसी के नीचे लगा हुआ है जो भी पूरे प्लेन के कितना है, 90 एंगल पे है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 एंगल पे हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ लो, जैसे अगर मैं बताऊं कि ये और ये, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कोई केंद्रीय परमाणु, ठीक है, तो इससे ये कुछ इस तरह से जुड़ा रहेगा, ये हो गया आपका पेंटागोनल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाई पिरामिड, बाई पिरामिड कब होगा, जब एक बिल्कुल इसके ऊपर होगा और एक बिल्कुल इसके नीचे होगा, जब भी तो बाई पिरामिड होगा, एक ऊपर और एक बिल्कुल नीचे, तो ये जो ऊपर वाला है ये भी ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और नीचे वाला होगा ये भी पूरे प्लेन के साथ 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाले दो हैं, दो परमाणु हैं हमारे, ये वाला, ये और ये, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में है आपका 72 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, IF7, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ज्यामिति की, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री ज्यामिति, कह रहा किसी अणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को कहते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब अणु की ज्यामिति बदल सकती है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो अणु की ज्यामिति क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम बात करें अमोनिया अणु की ज्यामिति की, ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल, इस अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इस अणु का जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है हमारा, नाइट्रोजन, ठीक है, NH3। अणु में जो परमाणु सबसे कम होता है, जिसकी संख्या सबसे कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु। अच्छा, तो ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से घिरा हुआ है कुछ इस तरह से, तो केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन। कह रहा है इस परमाणु में संयोजी कोश में 4-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 5, 2p, 2s में और 3p में, तथा
तीन हाइड्रोजन परमाणु तीन इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं। अब इसमें तीन ये जो हाइड्रोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ में साझा करेंगे, नाइट्रोजन के साथ में। तो पांच नाइट्रोजन के खुद के थे और तीन कहाँ से पहुंच गए, हाइड्रोजन के द्वारा पहुंच गए। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात कह रहा है कि चार इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आठ इलेक्ट्रॉन कितने बनाते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा आपका, चार इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या हो जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन पेयर। जहां पर चार इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए वहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, TH, ठीक है, क्या होगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होते हैं, कह रहा है, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर, ये तीन जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं। इसके साथ कह रहा है एक एक युग्म लोन पेयर होता है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं वो किस में और किस रूप में आ जाते हैं, लोन पेयर के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। भाई तीन हाइड्रोजन है तो तीन इलेक्ट्रॉन बंध बना जाएंगे नाइट्रोजन के, दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कह देंगे, ठीक है। इस प्रकार BSEPR सिद्धांत के अनुसार इस अणु की ज्यामितीय टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। जब चार इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो वहां पर ज्योमेट्री कैसी हो जाती है आपकी, टेट्राहेड्रल हो जाती है। लेकिन कह रहा है लेकिन एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण अणु की जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाती, पिरामिडल होगी। अणु की ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, और उसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लोन पेयर होने के कारण कोण 109.28 डिग्री से घटकर कितना रह जाएगा, 107 डिग्री हो जाता है। अब ये देखो, ये दे रखा है आपको NH3, क्या दे रखा है, NH3। इसके वायरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, और तीन हाइड्रोजन है तो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। जहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन युग्म। जब चार इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, किसके अनुसार, BSEPR थ्योरी के अनुसार। लेकिन इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ठीक है, ये जब बंध बनाने में भाग नहीं लेता है तो इसका काम क्या रह जाता है, बस अणु की आकृति को डिस्टर्ब करना, ठीक है, ये उसी को डिस्टर्ब करता है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ये लो अपना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस अणु की जो ज्योमेट्री है उसको डिस्टर्ब कर देगा। पहले इसका एंगल होना कितना चाहिए, यहाँ पर कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट। लेकिन ये जो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है इस पर, ये क्या कर देता है, ये इसके बीच में, मतलब यहाँ से ये जो बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, और ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये आपस में बॉन्ड पेयर, ये आपस में बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो हमने क्या पढ़ा था, रिपल्सन का जो ऑर्डर पढ़ा था वो क्या कहता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा लगता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा लगता है, उससे कम रिपल्सन किस में लगता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर ये जो आपका लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर, ये इसके पास में जो बॉन्ड पेयर है भाई, इसके पास में ये भी बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और ये भी इसके साथ में ही बॉन्ड पेयर है, और ये भी, तो इस लोन पेयर के साथ में तीन बॉन्ड पेयर हैं, तो इन तीनों पे हल्का सा क्या लगेगा, थोड़ा रिपल्सन लगेगा। तो ये जिस पोजीशन में होंगे उससे क्या, थोड़े से झुक जाएंगे, थोड़े से पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जब दूर थे तो ज़्यादा था, पास आ गए तो थोड़ा सा इनका बॉन्ड एंगल, ये इस पोजीशन में इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि 109 से कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा, ठीक है, किसके कारण, इस पर उपस्थित लोन पेयर के कारण, ठीक है, ये लगेगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर LP और BP रिपल्सन, कौन सा रिपल्सन लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा, किसमें, NH3 के मॉलिक्यूल में, जिससे कि उसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट से घट के कितना रह जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा दे रखा है H2O अणु की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इस अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, बे H2O में केंद्रीय परमाणु क्या होता है हमारा, सॉरी H2O, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कि अन्य दो हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा, हाइड्रोजन परमाणु में साझा करते हैं,
तथा कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, या 4 युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो भैया, ऑक्सीजन दो बंध बनाने के बाद भी उस पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, दो, एक यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, वहाँ ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? टेट्राहेड्रल। तो H2O की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, TH होनी चाहिए। लेकिन BSEPR क्या कहता है? कहता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो युग्म बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब दो युग्म तो ऐसे होंगे जो क्या बना रहे होंगे? बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन है तो ये क्या बना रहे हैं? बंध बना रहे हैं। कह रहा तथा दो युग्म लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर के अलावा जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो दो लोन पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें। कह रहा इस प्रकार BSEPR सिद्धांत के अनुसार इस अणु की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन दो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी ज्यामिति बी शेप हो जाती है, बी शेप या बेंट शेप। कैसी हो जाती है? बी शेप या बेंट शेप। किसके कारण? इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है, तो इन दो ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इन दो लोन पेयर के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा। तो एक दूसरे को ये एक दूसरे से काफ़ी दूर पर अपने आप को सेपरेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे कि इनके बीच में लगने वाला जो लोन पेयर बन रहा है वो कम से कम लग सके, ठीक है। ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इससे तो कम ही लगेगा ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, LPBP और LP, और इधर भी क्या हो जाएगा? BPLP। ये क्या है? BP। ये क्या है? ये क्या है हमारा? BP। और ये क्या है हमारा? LP। तो यहाँ पर भी BPLP लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है भाई? BPBP। क्या? BP और BP, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? लोन पेयर में। उससे कम? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो सबसे दूरी पर कौन होगा भाई? लोन पेयर, ठीक है। तो ये इसी के कारण इनमें क्या हो जाएगा? ये क्या कर देंगे? ये जो हाइड्रोजन है इनको थोड़ा सा और पास में कर देंगे, ठीक है। पहले मान लो इतने पे, अब ये क्या कर देंगे? जब लोन पेयर इन पे थोड़ा प्रतिकर्षण लगाएगा तो ये थोड़े से झुक जाएंगे। झुकने के कारण इनमें क्या होगा? ये देखो एंगल यहाँ पर लिखा है 190 नहीं होता, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, ठीक है। 190 नहीं होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट यहाँ पर होता है, ठीक है। 109 कितना होता है? 109 डिग्री से घटकर कितना रह जाता है? 104 डिग्री रह जाता है। किसके कारण? इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। किस पे? ऑक्सीजन पे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड पे जो रिपल्शन लगता है, इनमें सबसे ज़्यादा, इसमें कम और इसमें सबसे कम, ठीक है। तो और इसके बाद में कह रहा है घटकर कितना हो जाता है? 104 डिग्री और 5 मिनट का हो जाता है। इसके संकरण इसमें कैसा होता है? sp3 संकरण होता है। जैसे H2O की अगर हम बात करें, मतलब HO और H दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे यहाँ पर, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो बॉन्ड पेयर ये हैं। तो अगर हम बात करें कि संकरण निकालने की, ठीक है, तो संकरण निकालने का एक सूत्र होता है, आप EP बराबर निकाल लो, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लो, बस वहीं से आपका निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस आपका हो जाएगा बॉन्ड पेयर। क्या हो जाएगा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इस वाले सूत्र से आपका आ जाएगा। यहाँ देख लो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? इस वाले मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? दो, तो यहाँ लिख दो दो। प्लस बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? एक और एक, दो, तो यहाँ लिख दो दो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर कितने आ गए? चार। जब चार इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? sp3, ठीक है। एक s का होगा और तीन किसके ऑर्बिटल होंगे? p के ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि जो हमने पढ़ाया है या जो हमने आज पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा है, इस सभी की अगर आपको PDF चाहिए तो इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ से आप अपनी PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
ये तो हम लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे, आपको शॉर्ट भी कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, और हम आपको वेरी शॉर्ट भी कराएंगे, और साथ ही साथ हम आपको क्या कराएंगे, एमसीक्यूज, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम सभी आपको कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और जितना भी मटेरियल है बीएससी पार्ट वन और सेमेस्टर वन के लिए सभी हम यहाँ पर कराएंगे आपको सारा यहाँ से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।